रांची जिला से 29 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पुंदाग में 54 बच्चों को चापाकल में लाल पानी निकलने के कारण तालाब का गंदा पानी इस्तेमाल करने पड़ रहे थे। इस समस्या को लेकर मैंने 2016 को एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में सभी समस्या को लेकर हम लोग 8/7/2016 को और मांझी ब्लॉक गए। अधिकारी के पास समय नहीं होने के कारण ऑफिस में आवेदन जमा करने को कहा। कार्रवाई नहीं होने पर मैं दोबारा ब्लॉक गई तो पता चला कि अधिकारी का तबादला हो गया है। एक महीने के बाद रांची स्टेट ऑफिस से कॉल कराने के बाद में 2017 में चापाकल लग गया है। बच्चों को स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है। थोड़ी दिन पहले यहाँ क्या समस्याएं थी? थोड़ी दिन पहले समस्या थी कि जैसे गर्मी से पहले एक चापाकल जो था मेरे पास मौजूद, वो चापाकल में बहुत मतलब गंदा पानी निकल रहा था। उस समस्या का समाधान हो चुका है। चाहे निर्मला मैम आई हुई थी और वीडियो भी हुआ, वो लोग शायद वीडियो के यहाँ भी चाहे PhD में आप लोग दिए दिए। उसके बाद मेरा वो चापाकल आ गया जिससे हम लोग का समस्या का समाधान हो चुका। और अभी आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो आप लोग इतना सहायता किए तो हम लोग बहुत जल्दी ही चापाकल हम लोग को मिल गया। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ही है बदलाव लाना, समस्या से जूझ रहे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं और ख़ास करके अधिकारियों का जिन्होंने बदलाव लाने में हमारी मदद की है और उन्हीं के सहयोग से बदलाव संभव भी है। मैं निर्मला एक्का रांची झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।